हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और मैं साइंस टीचर आज आपको पढ़ाएंगे टॉपिक डार्विनवाद। कई दिनों से पढ़ रहे हैं जैव विकास के बारे में, और जैव विकास में लेमरवाद इससे पहले वीडियो में पढ़ा, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डार्विनवाद के बारे में। एक साइंटिस्ट है डार्विन, उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए, उनके सिद्धांतों को डार्विनवाद कहा जाता है। डार्विन ने विभिन्न जीव जंतुओं का अध्ययन करने के बाद यह देखा कि इन जीवधारियों में कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनको उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ग द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इस पुस्तक में अपने सिद्धांत प्रकाशित किए, और ये सन 1859 में इन्होंने प्रकाशित किए, और इन्होंने बताया कि जीवधारियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और वे जीवधारी अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित किए रहते हैं। और इस प्रकार जो जीवधारी अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं वे जीवित रहते हैं, और से जीवधारी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार डार्विन ने अपने सिद्धांतों को कुछ बिंदुओं द्वारा समझाया है, आइए इनकी चर्चा करते हैं। तो पहला जो बिंदु है डार्विनवाद का वो है संतान यानी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो जीव रहता है उन सभी में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, और क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। अर्थात सभी जीवधारी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं और अपना वंश को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि संतान उत्पन्न करने की इन जीवों में एक नेचुरल प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी विशेषता जो है दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद का वो है जीवन संघर्ष। सभी जीवधारी जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में उन्हें भोजन, आवास और सुरक्षा, इन तीनों चीजों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और इसके लिए उन जीवों में एक संघर्ष छिड़ जाता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदा के समय यह संघर्ष इतना जटिल हो जाता है कि उसमें बहुत से जीवधारी नष्ट हो जाते हैं। जो जीवधारी इस जीवन संघर्ष में सफल होते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो जीवन संघर्ष में हार जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो वातावरण के अनुसार जो जीवन संघर्ष में सफल हो रहे हैं वो प्रवजीव होते हैं, सफल होते हैं, और वही अपने आप को जीवित रख पाते हैं। इस संघर्ष डार्विनवाद का तीसरा सिद्धांत विभिन्नताएं और इनकी वंशागति। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया एक ही जाति के सभी सदस्य या एक ही माता पिता की जो संतान होती है वो सभी समान नहीं होती। तो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवधारियों में एक ही माता पिता के
सभी सदस्य समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है और ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती रहती है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में लगातार परिवर्तन होता चला जाता है और वे लक्षण में परिवर्तन पाने से संतान जातियां जो जीव की जो जातियां हैं वो बदलती चली जाती हैं। तो इन्होंने बताया कि जो जीवों में विभिन्नता आती है लेनी के फलस्वरूप उनकी वंशागति होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। चौथी विशेषता, चौथा सिद्धांत डार्विनवाद का, योग्यतम की उत्तर जीविता। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने समझाया कि वे जीवधारी जो जीवन संघर्ष में सफल होते हैं और जिनमें उत्पन्न विविधताएं लाभदायक होती हैं, वो अपने आप को योग्य सिद्ध कर देते हैं और जीवन संघर्ष में सफल होकर के आगे अपना जीवन सुरक्षित करके वृद्धि करते हैं, और जो इस जीवन संघर्ष में असफल हो जाते हैं और उनमें जो विविधताएं हानिकारक होती हैं उनके कारण वो अपने आप को योग्य सिद्ध नहीं कर पाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो जीवधारी योग्य अपने आप को योग्य सिद्ध करता है वह जीवित रहता है और शेष जीवधारी नष्ट हो जाते हैं। पांचवी विशेषता, पांचवा सिद्धांत अनुकूलन। कोई जीवधारी जिस वातावरण में रहता है वह स्वयं को उस वातावरण के अनुसार ढालने की कोशिश करता है, अतः जो जीवधारी अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, परिवर्तित कर लेता है या अपने अंदर ऐसी विशेषताएं विकसित कर लेता है जिनके कारण वह अपने वातावरण में रहने के लिए सक्षम हो, ऐसी विशेषताओं को हम कहते हैं अनुकूलन। अतः जो जीवधारी अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, परिवर्तित कर लेता है, वह उतने ही अनुकूलित हो जाता है और जीवित रहता है। जो जीवधारी ऐसा नहीं कर पाते वो नष्ट हो जाते हैं, अपने आप अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि डायनासोर के साथ हुआ। डायनासोर बहुत पहले पाए जाने वाले बड़े सरीसृप जंतु थे, जैसे जैसे वातावरण परिवर्तन हुआ वो अपने आप को वातावरण के परिवर्तन के अनुसार नहीं बदल पाए और नष्ट हो गए। तो सीधा सा उदाहरण अनुकूलन का मिलता है। और छठी लास्ट विशेषता है डायनासोर की, नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जीवन संघर्ष के द्वारा जो जीवधारी सफल रहते हैं, सफल होते हैं और उनमें लैंगिक चयन के द्वारा जो विविधता उत्पन्न होती है उसके कारण वे अपने आप को योग्य सिद्ध कर देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी अनुकूलताएं उनके जीवन में आती जाती हैं वे अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त नई जाति है वो अपनी प्राचीन यानी पूर्वज पीढ़ियों से बिल्कुल भिन्न दिखा देती है, जिसके कारण उस नई जाति को उस नई पीढ़ी को नए जाति का सदस्य मान लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो विशेषता होती है वो अपने पूर्वज पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न होती है। इस प्रकार से डार्विन ने अपने सिद्धांतों को पुस्तक प्राकृतिक भाव द्वारा जाति की उत्पत्ति में प्रकाशित किया और इन विशेषताओं को हमने विस्तार से जाना। तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत आशा करता हूं आपने समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे इससे आगे नई वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।